हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कोडिंग हार्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पर हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट सी प्रोग्राम। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट सी प्रोग्राम बताया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज उसी का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं कि कैसे प्रोग्राम बनता है। देखिए, ये वही प्रोग्राम है जो मैंने उसमें लिखा था, वॉइड मेन सी एल एस सी आर प्रिंट एफ हेलो यूज़र, मतलब ये हेलो यूज़र स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। क्यों ना हम इसे लाइव कंपाइलर पे समझते हैं, तो चलिए कंपाइलर पे देखते हैं। सेम प्रोग्राम में वहीं यहाँ लिख देता हूँ, वॉइड मैन सी एल आर एस सी आर प्रिंट एफ हेलो यूज़र, हेलो यूज़र गेट सी एच और ये सेमी कॉलन एंड। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट है हेलो यूज़र। बिल्कुल सही, मैंने ये लास्ट का कोड तो आपके सामने लिखा, लेकिन मैंने पहले से ही दो चीज़ लिख के रखी थी। सोचिए क्यों? क्योंकि ये दो हैं सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स, फर्स्ट stdio.h, सेकेंड conio.h। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल मीन्स व्हाट? ये जो आपको कंपाइलर की ब्लू स्क्रीन दिख रही है, ये हमारी कंपाइलर की स्क्रीन है, और जिस स्क्रीन पर हमारा प्रोग्राम रन होके शो होता है, ये ब्लैक स्क्रीन, ये कंसोल स्क्रीन है। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करना मतलब इस प्रोग्राम को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करना, उस कोड में कन्वर्ट करना जिसे कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड कर सके। तो इसमें देखिए 462 लाइंस कंपाइल्ड लिखा रहा है, 462 लाइन कंपाइल्ड, बट मैंने प्रोग्राम में तो लगभग 7 या 8 लाइन लिखी है, ये इतनी लाइंस क्यों बता रहा है? और मैंने ये दो हेडर फाइल्स क्यों लिखी पहले? क्योंकि मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि किसी भी फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो इस फंक्शन की जो कोडिंग है वो लिखी है हैशटैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल में। इस हेडर फाइल में प्रिंट एफ की कोडिंग लिखी गई है, जिसके कारण ही प्रिंट एफ चल पाता है। अगर मैं इस हेडर फाइल को हटा दूं, अगर मैं इस हेडर फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो एरर आया, प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। हमारे कंपाइलर को समझ में ही नहीं आया कि प्रिंट एफ क्या है, इसलिए ये नेसेसरी है कि मैं यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लगाऊं, नहीं तो हमारा कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा कि प्रिंट एफ है क्या। सेम हैशटैग इंक्लूड conio.h, ये जो दो फंक्शन है सी एल आर एस सी आर गेट सी एच, ये इनकी कोडिंग लिखी गई है conio.h में। सी एल आर एस सी आर क्या है? ये यूज़ होता है हमारा प्रीवियस आउटपुट मिटाने के लिए। अगर मैं यहाँ से सी एल आर एस सी आर को इरेज कर दूँ, ये मैंने सी एल आर एस सी आर को इरेज कर दिया, तो देखिए क्या होगा, हेलो यूज़र दो बार प्रिंट हो गया, मतलब हमारा प्रीवियस आउटपुट भी आ रहा है और नया आउटपुट भी आ रहा है। एक बार और रन करूँ तो तीन बार हेलो यूज़र प्रिंट हो गया। तो इसलिए मुझे पुराना आउटपुट हटाने के लिए सी एल आर एस सी आर फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। गेट सी एच क्या है यार? गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो कंसोल विंडो पर, ये दोनों है फंक्शन सी एल आर एस सी आर और गेट सी एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में रखेगा, क्योंकि ये कंसोल विंडो पर ही काम करते हैं। सी एल आर एस सी आर कंसोल विंडो को क्लियर करता है, और गेट सी एच कंसोल विंडो को एक तरीके से हम कह सकते हैं होल्ड करके रखता है, या जब तक नहीं हटता है तब तक, जब तक हम इसे कीबोर्ड से एक आउटपुट ना दे दें। मैं कीबोर्ड से कोई भी एक बटन दबाऊंगा, ये हट जाएगा, मतलब गेट सी एच कीबोर्ड से एक इनपुट लेने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये हैशटैग सिंबल क्या है? हैशटैग सिंबल को सी लैंग्वेज में इस कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये डायरेक्टिव है, ये प्री प्रोसेसर को बताता है कि ये कोड प्री प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट होगा। अब प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर वो कमांड है जो कंपाइलर के पहले चलती है। ठीक है, और ये मेन फंक्शन बनाया है, किसी भी चीज़ के अगर आगे पैरेंथेसिस लगा है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, तो वो सब फंक्शन होते हैं, जैसे कि सी एल आर एस सी आर, ये भी फंक्शन है, गेट सी एच भी फंक्शन है, मेन भी फंक्शन है। मेन फंक्शन
ही हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो मेन फंक्शन ही समझता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, कंपाइलेशन नहीं। कंपाइलेशन हैशटैग से ही शुरू होता है, और जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, ये रन होना, ये मेन से शुरू होता है, इसलिए हेलो इधर स्क्रीन पर प्रिंट होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि इतनी मल्टीपल लाइंस क्यों दिख रही थी, कि हेडर फाइल्स की वजह से, क्योंकि इन हेडर फाइल्स में जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है सबकी कोडिंग कंपाइलर यहाँ ला के रख देता है। अगर मैं इन लाइंस को हटा दूँ और सिर्फ हेडर फाइल्स में देखूँ कितनी लाइन है, तो इन दोनों हेडर फाइल्स में लगभग 400 से भी ज़्यादा लाइन है। ये देखिए, दोनों हेडर फाइल्स में ही 457 लाइन। ठीक है, अब हम समझते हैं प्री प्रोसेसर क्या है। ये हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम, आप समझ चुके हैं अच्छे से। प्री प्रोसेसर इन सी लैंग्वेज हैशटैग इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। हैशटैग को सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। दीज आर नॉट हैंडल्ड बाय कंपाइलर। ये कंपाइलर के थ्रू हैंड नहीं होते हैं, हैंडल नहीं होते हैं। दे आर हैंडल्ड बाय अ स्पेशल सॉफ्टवेयर अवेलेबल दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल होते हैं, जिन्हें हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। अब हमने ये देखा कि जो हमारा हैशटैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, उसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन वर्क करते हैं, और जो कोनियो .h जो कंसोल इनपुट की हेडर फाइल है, कंसोल विंडो की, उसमें फंक्शन है clrscr और getcs, तो ये इसलिए वर्क करते हैं। कुछ प्री प्रोसेसर कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, मैं समझा नहीं पाया था। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, उस फाइल को उठा के ये हमारे प्रोग्राम में शामिल कर देता है। और भी कई कमांड्स हैं, हैशटैग डिफाइन, हैशटैग अनडिफाइन, हैशटैग इफ एलिफ, और भी ऐसी कई सारी हैं। ठीक है, दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।